सो हेलो एवरीवन, मैं रोशनी। आज बहुत दिन के बाद आप लोग हमको देख रहे होंगे ब्लॉग में। मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का, बट आप लोग बहुत कोई कमेंट कर रहे थे, इसलिए हम आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं सब क्लियर करने के लिए। आरएस कुछ दिन आगे वीडियो दिया था कि रोशनी चले गई है ऐसा वैसा, तो हम गए थे 2-3 दिन के लिए, फिर हम आ गए थे क्योंकि झगड़ा हुआ था हम लोग का बहुत, इसीलिए गए थे। और ये स्टेप्स का रो रो के बोल रहा है जैसे मतलब छोड़ के भाग के चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा सा हम लोग का झगड़ा वगैरह हुआ था और अभी भी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी सब होते रहता है झगड़ा वगैरह। मेन कारण किस लिए हम गए थे ये आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला बात, आरएस टाइम नहीं देता है, और दूसरा बात कि वो मतलब उसका लाइफ में हम मतलब रहे या ना रहे उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ चाहता है हम लोगों का नाम का रिश्ता रहे, तो वो हम रखना नहीं चाहते हैं सबसे पहला बात। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले है आरएस, माँ से भी बढ़कर आरएस है, आरएस है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं है, उसके लिए दोस्त यार है और कुछ है हम अभी नहीं बता सकते, बस इतना बता रहे आप लोगों को, क्लियर कर रहे कि इसी वजह से झगड़ा होता है कि हम उसको अपना सब कुछ मानते हैं लेकिन वो हमको उतना टाइम नहीं देता, वैल्यू नहीं देता, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम साफ बोल लेते कि हमको डिवोर्स चाहिए, ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो या फिर ये वो वीडियो नहीं है, जो रियल है वही हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो हम बोले डिवोर्स चाहिए, हम बैग भी पैक कर लिए थे कि फैसला करा लो, हम ऋत्विक के साथ अपना रहेंगे, तुम अपना फिर रहना जिसके साथ अच्छा लगता है, फ्रेंड और कोई भी है उसके साथ। अभी हम और क्लियर में नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी अलग नहीं हुए हैं, जब अलग हो जाएंगे तब तो आप लोगों का सारा सच्चाई सामने आएगा। और मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ, और मेरा लाइफ का यही मतलब सबसे आरएस से हमको यही प्रॉब्लम है कि जैसे सुबह निकलता है, जैसे 6-7 बजे सुबह घर निकला, घर से निकला, घर आता है 12-1 बजे, कभी 12-1 बजे निकला तो शाम का 6-7 बजे घर आता है, तो वो चीज़ हमको पसंद नहीं है। इसीलिए बस हम बोले थे कि ठीक है, उसको हम बोले थे दोस्त यार और जो है उसको चुनो या फिर हमको या ऋत्विक को चुनो, तो वो बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तुम लोग को भी नहीं छोड़ सकते हैं, वो लोग को भी नहीं छोड़ सकते। तो हम बोले हमको प्रॉब्लम हो रहा है ना, हम तो यहाँ तेरे लिए आए थे, तो हम सब कुछ अपना तुमको मानते हैं और तुम किसी और को टाइम देगा तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम उसको बोले साहब, तो बोला नहीं नहीं हो सकता है, हम नहीं ऐसा कर सकते। तो बोले ठीक है, तब हमको 1 सप्ताह के लिए दीदी का छोड़ दो, तो उसमें भी वो राजी नहीं हुआ, तो हम चल गए थे 2-3 दिन के लिए, फिर अभी आ गए हैं। तो अभी वो बात नहीं कर रहा है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तरफा प्यार निभा के क्या फ़ायदा जब उधर से कुछ है ही नहीं, आप लोग की ये बताओ। और मेन प्रॉब्लम हो जाता है ऋत्विक के लिए, हम लोग का नहीं कुछ हो पा रहा है। इतना ही हम बोलने आए थे, यही था जो था आज का। और घर में अभी गेस्ट वगैरह आए हैं, पीसी माँ लोग और पीसा बाबू आए थे, कल बड़ी दीदी का हस्बैंड आया था, बेटू आया था, वो लोग अभी चल गया है। हम वीडियो वगैरह भी नहीं दे रहे थे, क्यों दें हम वीडियो। और गाइस आप लोग बोलते हो स्क्रिप्टेड वीडियो, रोना धोना ये वो, ऋत्विक आए टकलू ऋत्विक हाई करो ना, हाई करो कुका ना, हाई करो फर्स्ट है कुका, हाँ कुका कोई कुका, हाई करो ना कुका, हाई हाई कुका, हाई करो कुका। ऋत्विक को चाहिए ये सब कुकर जो यहाँ पे रखा हुआ है, इसका भी फेवरेट खिलौना है कुकर, दिन रात कुकर से खेलते रहता है। और अब मैं बोलने जा रही थी कि आप लोग कमेंट करते हो स्क्रिप्टेड वीडियो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग सोच समझ के प्लानिंग करके अगर वीडियो बनाते गाइस तो रोज़ ब्लॉग आता ना, इतना दिन बाद बाद क्यों ब्लॉग आता, तब तो इससे तो हम लोग का कोई इनकम भी नहीं है। इतना दिन आप देखो आरएस कब ब्लॉग दिया है और आज हम कब दे रहे हैं, अगर स्क्रिप्टेड होता तो हम लोग रोज़ ब्लॉग देते ना, रोज़ हम लोग धांधली करते आके, आप लोग देख सकते हो हम लोग कितना दिन बाद बाद ब्लॉग दे रहे हैं, क्योंकि अब स्क्रिप्टेड कुछ है ही नहीं, ये सब रियल है, सब रियल। आरएस को तो हम अभी भी बोलेंगे कि मतलब ऐसे रिश्ता नहीं चलने वाला है, क्या कुका कोई कुका
पृथ्वी को टकला क्या बोलेंगे, मतलब जो क्या बोलता है उसको, क्या जो बोलता है नाम तो भूले गलो, कैसे तू चूल तो काट लो, तू चूल तो क्या कटे दिल नो वो छीलने वाला लेजर ना क्या बोलता है उसको, उससे ऋत्विक का बाल काटने के लिए लेके गया था आरएस मार्केट, तो वो वहाँ पे बहुत रोने लगा, नहीं कटाया तो आरएस वही वाला घर में लेके आ गया, बोला कि घर में जब सोएगा काटेंगे, तो इतना रो रहा था कि सही से काटने ही नहीं दिया, लास्ट में पूरा चौपट हो गया, तो फिर उसको टकला करना पड़ा। और कितना अभी अजीब दिख रहा है ऋत्विक, पता नहीं उसका बाल कब निकलेगा। अब मेरा पिंपल इतना दर्द दे रहा है, एक दो हम इसको टच नहीं करते हैं तो ये अपने बैठ जाता है, कुछ दिन बाद अब फिर से हो जाता है। तो यही क्लियर करने आए थे, और अगर आरएस बात करता है चाहता है अच्छा से ब्लॉगिंग करने तो करेंगे, क्योंकि हमको धांधलीबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों करे बिना मतलब का ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है। सो हम आरएस को, आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे देंगे कि आरएस को हम बोले थे कि एक चुन लो जिसको भी चुनना है, ऐसे नहीं चलेगा रिश्ता, एक बार नहीं हज़ार बार। और अभी मेरा लाइफ में इधर का डांसर और मेरा मम्मी का लेके अलग टेंशन है, मेरा मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब है। सो पता नहीं अभी लाइफ में टेंशन भरा लाइफ मेरा चल रहा है। सो आज का ब्लॉग यहीं तक, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जब मैं गई थी तब उससे पहले मैं बोली कि फैसला कराना चाहते हो तो करा लो, फिर हम कहीं पे भी जाएंगे, तो वो बोला नहीं हमको नहीं कराना है कुछ भी, तो हम फिर बोले ठीक है फिर तुम रहो, फिर हम बोले कि इतना हम इतना थत बोले हम आदमी का घर में कितना रहेंगे, मेरा खुद का घर होना चाहिए ना, मेरा भी तो लाइफ है, हमको भी घूमना फिरना पसंद है। सो यही लेके झगड़ा होता है, आप लोगों को आगे भी बताए हैं कि बैंक वगैरह का काम होता है तो नहीं लेके जाता है, बस यही सब का झगड़ा है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पापा जी थे यहाँ पे। सो मम्मी पापा भी बोला कि तुम जो चाहता है कर लो, ऐसा कोई भी लड़की नहीं रहेगी, क्योंकि हम सब अपना छोड़ के आए हैं आरएस के लिए, और अगर आरएस ऐसा करेगा, आई कुका दीवार, आई कुका दीवार, कुका नाम नाम बापरे बापरे, ले गंदा लगा हुआ है ऋत्विक। सो यही था गाइस कि मेरा बोलना यही है कि हम अपने अब आरएस के लिए सब कोई को छोड़ रहे हैं, बट आरएस अभी बहुत चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, पहले जैसा अभी रिश्ता नहीं है, तो हम इतना ही बोलना चाहेंगे लव मैरिज करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना, खास करके लड़की, क्योंकि लड़का का घर वाला हमेशा एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लड़की का घर वाला से बहुत मुश्किल होता है। सो गाइस तबीयत भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोज़ वोमिटिंग वगैरह होते रहता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, और इस जो वीडियो में रो रो के बोल रहा था, ऐसा रोने वाला कोई बात ही नहीं है। अगर आप लोग सोचो आरएस हमको बोल क्या बोल रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं, डिवोर्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, समाज क्या बोलेगा, ठीक है, तो हम बोले समाज के लिए हम अपना लाइफ क्यों बर्बाद करें, आप लोग ये बताओ। आरएस हम बोले जिस टाइम आप शादी किए थे उस टाइम आप समाज नहीं देखे थे, समाज वाला क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, अभी आप समाज देख रहे हो, तो आप लोग सोच लो आरएस को हमसे कोई प्यार वगैरह नहीं है, वो समाज के लिए हमको नहीं छोड़ रहा है, वो हमको बोला है बस, हम मतलब लोग हंसी नहीं करा सकते हैं इस टाइप का हमको मैसेज किया है, हम नहीं दे सकते हैं डिवोर्स वगैरह, तो सिर्फ नाम का रिश्ता है हम लोग का, हम मेरा तरफ से यही लगता है, वो तो हमको साफ बोलते हैं कि समाज का वजह से हम तुमको नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब उसके उसका तरफ से प्यार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ठीक है कोई नहीं, दिन सबको ही का आता है, अभी वो अपना दिन दिखा रहा है, मेरा भी दिन आएगा, कोई बात नहीं है।
सो यही है। और अगर डिटेल में हम अभी सच्चाई वगैरह नहीं बता रहे, क्यों बताए कि जब तक रिश्ता ख़त्म ना हो तब तक नहीं बताना ही ठीक रहेगा। जब उसके साथ अभी है तो अभी नहीं बताना चाहते हैं बस। सो बहुत दुख होता है अंदर से। कुका कुका और ना बेटा को यार कुका ऋत्विक टकलू हो गए, कितना गंदू दिख रहा है। सो कल ऋत्विक का एक मानसिक है, मन्नत था, मतलब पिसीमा जो आई है वो की थी, आप लोग ब्लॉग देखे होंगे आगे ब्लॉग में, जब ये पेट में था तो वो शायद कल आरएस जाएगा देवघर, तो हम लोग भी जाएंगे दे के आएंगे, पता नहीं अभी कंफर्म वगैरह नहीं है। तो देखते हैं आरएस वीडियो में कल आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोलना चाहता है क्या नहीं, हम अब मतलब नहीं कुछ भी छुपाना चाहते। ये वीडियो गांव वगैरह का भी देखेगा, हंसेगा, बहुत मजा आएगा आदमी को, क्योंकि हमसे बहुत आदमी जलता है, घर का आदमी हो, बाहर का आदमी हो, गांव पड़ोस का आदमी हो, बहुत जलता चाहता है जल्दी से ये लोग अलग हो जाए। सबको ये भी सोचता है कि हम घर का दौलत धन पैसा देख के यहाँ शादी किए हैं, तो नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग देख सकते हो हम इतना बड़ा घर में शादी कर लिए, बट मेरा शरीर देख सकते हो कोई बदलाव नहीं है जैसा का वैसे ही, और उल्टा मतलब तबीयत खराब होते है, सूखा मतलब हड्डी होते जा रहे हैं। और बोलोगे अच्छा खाना पीना, तो हमको नॉर्मल खाना ही अच्छा लगता है, दाल चावल मेरा फेवरेट है, और बोलोगे दूध दही घी फल सब रहता है बट हम खाते नहीं है, तो आदमी को इतना जलन जलन, तो हम चाहते मतलब अलग ही हो जाए यार। और हस्बैंड जब नहीं हो साथ तो और भी बुरा लगता है। सो बस इतना ही बोलना था कि मेरा कोई गलती नहीं है, हम बस हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हमारे इसको इतना ही बोले कि तुम दोस्त यार और जो चीज़ है वो चुनो या फिर हमको और ऋत्विक को चुनो, तो बोला नहीं हम नहीं छोड़ सकते हैं किसी को भी, तो हम बोले हमको क्यों नहीं छोड़ सकता, तो वो बोला समाज के लिए, तो हम बोले वाह, मतलब हम हंसे या रोए उसको, मतलब प्यार नहीं है, एक बार भी ये नहीं बोला कि हम तेरे बिना ऋत्विक के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसा एक बार भी नहीं बोला। वो बोला आदमी हंसेगा समाज के लिए, सो बहुत बुरा लगा। कोई नहीं, दिन सबको का आता है। सो टाटा गाइस, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।